वाओ, क्या बात है। जय माता दी दोस्तों, आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबको शिफ्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। जय माता दी, जय माता दी। और आज लगेगा माता रानी का दरबार। वाह, क्योंकि भाई कल से है नवदुर्गे और हम लोग आज सुबह बिजी थे क्योंकि हम लोग मंदिर गए थे, फिर मेरा ऑफिस का काम था, फिर मैं अब जाके फ्री हुआ हूँ। तो रीमा इतनी देर से पीछे पड़ी हुई है भाई कि प्रशांत तुमने शुरुआत तो की ही नहीं, क्योंकि कुछ हैवी लिफ्टिंग का जरूरत होती है और आपको मालूम है कि हैवी लिफ्टिंग के लिए मेरे से ज्यादा बेटर और कौन हो सकता है। इनको ना मैंने, मुझे बस थोड़ा बहुत सामान हटवाने में हेल्प करवानी थी। देखिए, अगर आप लोग मुझसे शॉर्ट पर जुड़े हुए हो तो आप लोगों को मिलती रहती होगी नई नई इन्फॉर्मेशन कि क्या क्या मैं तैयारी कर रही हूँ माता रानी के लिए, तो चेक जरूर करते रहा करिए शॉर्ट्स भी। जोर शोर से काम करेंगे बिना बोले। यस, मैं इस हैवी लिफ्टिंग की बात कर रहा। मैं ये भी कर सकती हूँ। एक तो ये ना बजाज फाइनेंस वालों ने जीना कर दिया है ना, जिसको लोन चाहिए होता है उसको तो लोन मिलेगा नहीं और जिसको नहीं चाहिए होता है उसके पीछे पड़ जाते हैं। एक साल से दो साल से कॉल कर ही जा रहे हैं, सर लोन ले लो, लोन ले, नहीं चाहिए भाई। और जिस किसी बेचारे को चाहिए होगा ना उसको नहीं, नहीं है, जिसको चाहिए होता है उसको नहीं मिलता। और ये देखिए अचानक से क्या हो गया, मन बहुत ज्यादा दुखी हो गया था ये देखने के बाद। कशिश के रूम में ये शीशा लगा रहता है और ये टूट गया और बहुत बुरी तरीके से टूटा है। शिफ्टिंग में हो गया बहुत बड़ा नुकसान हमारा, शिफ्ट करते समय ये स्लिप हो गया हाथ से, हो गया पूरा कांच ही टूट गया, बदलवाना पड़ेगा। मत करो, करना पड़ेगा। मैं जो मैं उठा रही हूँ ना बड़ी वाली, तो दे रही हूँ तुमको। अरे इतना बड़ा नहीं आ पाएगा। नुकसान बहुत बड़ा हो गया ये बैठे बैठा है। 2,500 रुपए का फटका लग गया, क्योंकि जिनसे हमने बनवाया था उन्हें फोन किया, उन्होंने कहा कि पर स्क्वायर फिट के हिसाब से शीशा लगेगा इसमें। ये रीमा की वजह से हुआ है। अच्छा खासा रख दिया था, रीमा ने कहा बाहर रख दो। और ये सही है, पता है मेरे हाथ से कोई चीज गिरे तो भी मेरी गलती, इनके हाथ से गिरे तो भी मेरी गलती। हाँ। ये हस्बैंड का सबसे बेस्ट पॉलिसी लगती है मुझे, हर हाल में बीवी की गलती। सिलाए और नाम मेरा लगा दिया। मायूस मत हो ना, ऐसे क्यों हो रही हो, अब हो गया हो गया, ऐसे सोचो कोई बड़ी विपत्ति थी जो कांच पे उतर गई। अरे कशिश के फेवरेट था वो, तो कोई बात नहीं, अभी मैंने बुला लिया है उसको, दोबारा से वो लगा देगा। वो आ रहा है अभी लेने। टूटी फूटी चीजें तो मुझे भी नहीं पसंद है। सेटअप की तैयारी है यहाँ पर, यहाँ पे दुपट्टों से इस बार थोड़ा सा बैकग्राउंड हमने सिल्वर पे लेके आए हैं इस बार, और करते हैं इस बार हम थोड़ा कलर रख रहे हैं। हाँ। जिससे कि अभी आप जब अम्ब्रेला वगैरह यूज करेंगे ना, और बहुत सारी कलरफुल डेकोरेशन भी है हमारे पास। हाँ। तो ब्लू टच भी आएगा। चूड़ियों से इसको रोका जा रहा है। अच्छा क्लिप भी थे तुम्हारे पास, क्लिप से भी रोक सकते हो, यू नो। तो अभी आप लोग आइडिया ले सकते हो हम लोग कैसे तैयार करेंगे। हाँ, डेकोर बहुत सारी चीज नहीं, डेकोर पूरी बदल गई। हाँ। एक्चुअली तुम ये दुपट्टे देखो, पीछे का ये बैकग्राउंड देखो, सब कुछ, और अभी तो सारी डेकोरेशन ही बदलने वाली है। हाँ। बहुत प्यारी प्यारी डेकोरेशन मंगाई है मैंने, ये देखिए नए अमेजोन से मंगाए थे, अभी तो ये लगेंगे ना, तभी तो मैंने ब्लू कलर चूज किया क्योंकि कलर हाँ। उसके अकॉर्डिंग जा रहा है ना। और ऐसे मैंने पता है ये मंगाए अम्ब्रेला, ये भी हम लगाएंगे डेकोर में। और एक और चीज मंगाई थी यार, सबसे ऑसम चीज दिखाने तो मैं भूल ही गई, बचपन में बड़ा करते थे हम लोग ये। अरे वाह, ये लगेंगे यहाँ पे, ये तो सबसे बेस्ट सुंदर लगेगा। हाँ। समर सीजन आ चुका है और जब भी हम लोग घर से स्टेप आउट करते हैं सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करते हैं। क्या आपको पता है सनस्क्रीन तभी अच्छे से काम करती है जब आप एवरी 2 आवर्स बाद उसे रीअप्लाई करते हो, तभी वो आपकी स्किन को सन से डैमेज होने से बचाती है। लेकिन हर बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि एवरी 2 आवर्स बाद आप सनस्क्रीन को रीअप्लाई करो। ऐसे में मैं आपको अगर ऐसी सनस्क्रीन बताऊं जो आपको 6 आवर्स की प्रोटेक्शन दे रही है सन से, तो कितना बेटर हो जाएगा, आपकी लाइफ भी हैसल फ्री हो जाएगी। तो ये रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट
प्रोडक्ट है द डर्माकोक का 1% हाइलोरोनिक लॉन्ग लास्टिंग सनस्क्रीन, जिसके रिजल्ट रिमार्केबल है। 6 आवर तक ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो ये इंडिया की फर्स्ट ऐसी सनस्क्रीन है जो कि इतने लंबे टाइम तक आपकी स्किन को सन से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। सुपर लाइट वेट है, बिल्कुल भी ग्रीसी फील नहीं होती और साथ में व्हाइट कास्ट भी नहीं छोड़ती है। और इतना ही नहीं, ये स्वेट प्रूफ और वाटर रेजिस्टेंट भी है। इसमें है SPF 50 और PA 4+ की गुडनेस। ये UVA और UVB रेस से आपको बचाती है। इसमें है हाइलोरोनिक एसिड जो आपकी स्किन को प्लम्प और हाइड्रेट रखने में हेल्प करता है। और जब भी आप घर से बाहर जा रहे हो, उससे कम से कम 20 से 25 मिनट पहले आपको सनस्क्रीन अप्लाई कर लेनी है अपने चेहरे पर। इससे क्या होता है ना, वो अच्छे से स्किन में चली जाती है और फिर उसके रिजल्ट ज्यादा बेटर मिलते हैं। यहाँ पर बहुत थोड़ी सी सनस्क्रीन आपको लेनी है और पूरे चेहरे पर इवनली अप्लाई कर लेनी है, या फिर जो भी एक्सपोज एरिया होते हैं, नेक है, हाथ है, आप हर जगह पर इसे अप्लाई कर सकते हो। और हल्के हाथों से मसाज कर लीजिए जब तक सनस्क्रीन एब्जॉर्ब ना हो जाए। यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट करके दिखा रही हूँ आप सबको। पानी लिया है मैंने एक बाउल में और डर्माकोक की सनस्क्रीन मैं इसमें डालूंगी और आप नोटिस करेंगे ये पानी के साथ घुलेगी नहीं, ऊपर से अलग हो गई ना। और कितना भी मैं इसे मिलाना चाहूँ पानी के साथ, लेकिन ये पानी के साथ नहीं मिल रही है, यानी कि ये वाटर रेजिस्टेंट भी है। वहीं पर आप कोई और सनस्क्रीन पानी में मिलाएंगे तो वो पानी में मिल जाएगी, यानी कि वो जो सनस्क्रीन है वो वाटर रेजिस्टेंट नहीं है। डर्माकोक के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो फ्रेग्रेंस फ्री होते हैं। डर्माकोक हर साल 15,000 से ज्यादा बच्चों को भूमि के साथ मिलकर यंग साइंटिस्ट इनिशिएटिव के थ्रू एजुकेट करने में हेल्प करता है। और ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका और खुद डर्माकोक की वेबसाइट पर। अगर आप डर्माकोक की वेबसाइट से परचेज करते हो तो मेरा कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, इससे आपको एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। वाओ, क्या बात है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो मेरी तरफ से पहली बार गुड मॉर्निंग आज की। रीवा ने पहले ही आपको दिखा दिया होगा शायद, तो आज मैंने ये वाली साड़ी वियर करी है। जय माता दी। दोस्तों, आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, माता रानी आप पर हमेशा कृपा बनाए रखे। हाँ भाई, मेरी तरफ से भी, क्योंकि मैं कैमरा मैन हूँ तो मैं कैमरे के आगे नहीं आ पा रहा हूँ, थोड़ी देर में आऊंगा। और रीमा, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी रेडी हुई हो भाई आज तो। कॉटन की साड़ी वियर करी है मैंने आज। ये मैंने शॉर्ट में दिखाई थी, दो साड़ी दिखाई थी आपको, एक रेड और एक ये ऑफ व्हाइट, तो मैंने आज ऑफ व्हाइट पहनी है। बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसमें जरी का काम हो रहा है, एम्ब्रॉयडरी हो रही है, प्लस ये लटकन वगैरह है। हाँ, और इसका ब्लाउज पीस मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसमें मिल गया तो मैं एक दिन में बना दिया उन्होंने, सिल के दिया उन्होंने। थैंक यू सो मच। सो ये देखो, पूरा एम्ब्रॉयडरी था इसमें, बैक से ऐसे है। ऐसी लग रही है मेरी साड़ी, बताना जरूर कमेंट। भाई मुझे तो बहुत पसंद आई तुम्हारी ये। मुझे इस टाइप के कलर नवरात्रि पे पहनना बड़ा अच्छा लगता है, खासतौर से जो समर वाली होती है। हाँ। कि लाइट कलर हो, कॉटन का कपड़ा हो। हाँ। जिससे इजी टू वियर रहे और कंफर्टेबल फील करूं मैं पूरा दिन। हाँ। इसीलिए मैं पहनती हूँ उस टाइप की। बहुत, तुम्हारा नेकलेस भी बहुत अच्छा है इसके संग। हाँ, ये मेरा नया नेकलेस है जो कि मैंने आप लोगों को थोड़े दिन पहले दिखाया था, आज फर्स्ट टाइम वियर किया है मैंने, कहा शुभ दिन है। हाँ, अच्छे लग रहा है, वेरी गुड। तो चलो, हम लोगों ने रात में बहुत सारी प्रिपरेशन कर ली थी, अभी दिन में भी करी है। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, रात में बहुत मेहनत करी रीमा ने। ये देखिए कैसा लग रहा है आप लोगों को। उनका आइडिया था कि ऐसे उल्टा करके हैंग करेंगे, अभी ना रियल फूल नहीं लगाए, वो अभी आके रखे हुए हैं। हाँ। सब लगाने, अभी पूजा अभी बाकी है, माता रानी को विराजमान भी करना है सिंहासन पे, लेकिन मैं आपको भी डेकोर दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी प्यारी डेकोर हुई है। और ये देखिए, ये फैन है जिसको हमने माता रानी के लहंगे की तरीके से यूज किया है, कलरफुल दुपट्टे दिए हैं। ये जो देवी माँ की आप मूर्ति देख रहे हैं ना, ये दीदी लेकर आई थी मेरे लिए कोलकाता से, बहुत ही खूबसूरत है, फ्रेम में है और मैंने इसको इस तरीके से डिजाइन किया। रात को पूरा दरबार लगाने में ना हमें बहुत लेट हो गया था, लेकिन हम लोगों ने सोचा था रात में ही लगा के सोएंगे, जिससे कि सुबह सुबह उठकर आराम से फिर पूजा पाठ कर सके। इस बार की जो थीम रही है ना, वो ब्लू और आपके क्या रही है, पिंक। तो पिंक और ब्लू का कॉम्बिनेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है बताना। और मैंने कोशिश करी है एक अच्छा सा दरबार लगाने की माता रानी के लिए। वो तो हम हर बार कर लेते हैं, नो डाउट, बहुत अच्छा कर लेते हैं। और अभी फूलों से और सजाना है मंदिर में, फूल लगाने और विराजमान करना है, उसके साथ कलश की स्थापना करनी है, बहुत सारी चीजें। और हम सब लोग सुबह सुबह जल्दी से नहा के उसके बाद तैयार होके सब कुछ कर लिया है। तो हम लोगों ने रात में इसलिए नहीं दिया क्योंकि रात में ढंग से मालूम नहीं पड़ता। हाँ, लाइटिंग की दिक्कत हो जाती है, तो हम लोगों ने रात भर, 1 बज गया था हमें, 1 से 1:30 बज गया था। और उम्मीद करती हूँ कि माता रानी को हमारी ये छोटी सी कोशिश पसंद आए।
और आप लोगों को भी। चलो जल्दी से लगा लेते हैं फ्लावर्स वगैरह, है ना। पांच तरीके के फ्रूट्स, माता रानी को विराजमान करने से पहले उन्हें स्नान करा लेते हैं। यहाँ पर मैंने देसी घी, शहद, दही, दूध और गंगा जल से माता रानी को स्नान कराया था। माता रानी ने स्नान कर लिया है, इनको नए आभूषण और पोशाक पहनाएंगे। तो ये पोशाक सबको बहुत पसंद आई थी लास्ट व्लॉग में जब मैंने आप सबको दिखाई थी। कुछ लोगों ने यहाँ का एड्रेस भी मांगा है, यहाँ से मैंने कृष्ण जन्माष्टमी की शॉपिंग करी थी। ये शॉप है तुराब नगर गाजियाबाद में, और लाला जी टिक्की वाले है ना, जो काफी फेमस है तुराब नगर में, उसी गली में आप आगे जाएंगे तो आपको ये शॉप मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे आसपास रहते हो तो आप जरूर विजिट करना, वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर चीजें मिल जाती हैं। सारी पूजा की जो तैयारी है, शॉपिंग है, वो सब मैंने तुराब नगर से ही करी है। ये मैंने जो ज्वेलरी ली थी माता रानी के लिए, ये भी मैंने दूसरी शॉप से ली थी, और वो शॉप पे DIY वाली शॉप है, तो उसपे काफी सारी चीजें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर माता रानी को मैंने स्नान कराकर विराजमान कर दिया है। पहले मैंने सोचा नहीं था कि मैं पूरे 9 दिन के फास्टिंग करूंगी, लेकिन बाद में अचानक से मन कर गया कि इस बार पूरे 9 दिन के व्रत रखूंगी मैं। और माँ कालका देवी के भी दर्शन करके आए थे हम लोग एक दिन पहले नवरात्रि शुरू होने से, वहाँ के भी मैंने आपको दर्शन कराए थे, तो अगर आपने करे नहीं है तो जाकर कर लो, बहुत ही सुंदर दर्शन थे। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करती है। और अभी कर रही हूँ मैं कलश स्थापना, उसके लिए मैंने चावल लिए थे, थाली में इस तरीके से लगा दिए, उसके बाद उस पे कलश रख दिया, कलश के कंठ तक मैंने पानी डाल दिया था, और उसके बाद मैंने इसमें आम के पत्ते डाल दिए थे, डंडी के सहित ही डाले थे, जिससे कि उनको पानी मिलता रहे और पत्तियां सूखे नहीं। इसके बाद मैंने कलश पे सात्विक भी बनाया था, और उसके बाद मैंने जितनी भी पत्तियां थी आम की, उन सब पर हल्दी और कुमकुम से टीका भी करा था। में हवन में तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन जो तैयारी होती है ना पहले दिन की, वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है, उसमें बहुत सारा समय लग जाता है। बाकी तो फिर पूजा हवन कर लो आराम से बैठ के, लेकिन ये सारी चीजें एक दिन बस प्रिपेयर करनी होती हैं, उसके बाद आप 9 दिन आराम से पूजा कर सकते हो। तो पहले दिन की पूजा थोड़ी लंबी चलती है। इसके बाद मैंने माता रानी के वस्त्र पर गुलाब का इत्र लगाया था, इस बार मुझे गुलाब वाला मिल गया था, पिछली बार शायद चमेली वाला था। गुलाब भी प्रिय है माता रानी को। और यहाँ पर मैंने ना पान का पत्ता लिया है, इसमें सारी सूखी मेवाएं रखी हैं, साथ में इसमें आपको रखनी है इलायची, सुपारी और बताशा, ये सारी चीजें आप रखकर माता रानी को भोग लगाइए। माता रानी को पान का भोग बहुत प्रिय है, इसीलिए मैंने यहाँ पर पान का भोग लगाया है। आप कोई भी मीठी चीज बनाकर भोग में लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पर कलाकंद रखा है माता रानी के भोग के लिए। हर साल मैं इसी तरीके से माता रानी की पूजा करती हूँ, और साथ में क्षमा भी मांग लेती हूँ कि माता रानी अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, मैं तहे दिल से आपसे माफी मांगती हूँ। यहाँ पर मैं ना अपनी रेगुलर वाली पूजा पहले अपने मंदिर में कर रही हूँ। पिछले साल इन्हीं दिनों में मैंने पूरे 9 दिन के व्रत रखे थे, मतलब 7 दिन के व्रत रखे थे, अष्टमी पूजा होती है क्योंकि हमारे घर पर दीपावली के टाइम पर जब नवरात्रि आती है तब तो मैं 9 दिन के व्रत नहीं रख पाती, लेकिन हर साल मेरा मन है कि मैं गर्मियों के टाइम पर जब ये नवरात्रि आए तो मैं हर साल व्रत रखूं। मृद मद को मैया टीका, मृद मद को कलेवर रक्तांबर राजे मैया, पुष्प गल माला कंठन पर साजे।
के हरि वाहन राजत खड़क खपर धारी मैया खड़क खपर धारी सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी शंभु नि शंभु विधारे ओम जय अम्बे गौ। नवरात्रि के पहले दिन की पूजा बहुत अच्छे से हो गई और यहाँ पर मैं कर रही हूँ आरती। आप सब लोग भी आरती ले लीजिए। माँ जगदम्बे आप सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। तो दोस्तों यही था मेरा पहले नवरात्रि का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा इस व्लॉग को। अगर आप लोगों को कोई व्रत से रिलेटेड रेसिपी देखनी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आप सबके साथ उसे शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। साचे दरबार की जय। जोर से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी।